हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज शेयरिंग में। एंड दिस इज द थर्ड वीडियो इन द सीरीज ऑफ वोकैबुलरी। अगर आपने हमारे लास्ट वीडियोस को नहीं देखा है तो आप वोकैबुलरी की सेपरेट प्लेलिस्ट में उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं जाके, एज वेल एज मैंने उन दोनों वीडियोस की लिंक भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अटैच कर दी है, तो आप वहां से भी उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज आइटिनरेंट। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा बहुत लोगों को घूमने का शौक होता है, दुनिया देखने का शौक होता है, सो दे आर ऑल आइटिनरेंट बाय नेचर। फिर आपने ये भी सुना होगा आइटिनरेंट लेबर्स वो होते हैं जो ट्रैवल करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू डू वर्क, सो दे आर ऑल आइटिनरेंट लेबर्स। सो आइटिनरेंट को अगर मैं कहूँ हिंदी में तो उसका मतलब होता है भ्रमण करना, भटकना, चलने वाला, तो उसे हम आइटिनरेंट कहते हैं। नाउ यू कैन लुक एट द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड आइटिनरेंट: वैंडरर, वेगाबॉन्ड, नोमैडिक, ट्रैवलर। सो दीज आर सम ऑफ द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड आइटिनरेंट। द नेक्स्ट वर्ड इज वैलरस। वैलर इज अ वर्ड फॉर करेज। People who show the quality of valor are valorous. आपने सुना होगा कि बहुत लोगों के पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन के लिए बहुत sacrifices करते हैं, तो उनकी इस क्वालिटी, उनकी actions को भी हम valorous कह सकते हैं। बहुत सारी आपने मूवीज देखी होगी जहाँ पर जो सुपर हीरोज होते हैं वो किसी भी सिचुएशन में लोगों की जान बचाते हैं, तो उनकी इन एक्शंस को भी हम valorous कहते हैं। एंड दीज एक्शंस आर ट्रूली हीरोइक एंड डिजर्व्स ग्रेट रिस्पेक्ट। सो valorous का मतलब क्या हुआ? दिलेर, वीरतापूर्ण, शूरवीर, तो उसे हम वैलरस कहते हैं। आई कैन लुक एट द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड वैलरस: ब्रेव, वैलियंट, करेजियस। सो दीज आर सम ऑफ द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड वैलरस। द नेक्स्ट वर्ड इज जेनिथ, द हाईएस्ट पॉइंट, पीक, एक्मी, टॉप, तो उसे हम क्या कहते हैं? जेनिथ कहते हैं। नाउ यू कैन लुक एट द यूसेज ऑफ द वर्ड जेनिथ: आकांक्षा सेकंड प्रमोशन इन 11 मंथ्स कंफर्म सीज एट द जेनिथ ऑफ हर कैरियर। आकांक्षा अपने कैरियर के चरम बिंदु पर, शीर्ष पे, तो उसे हम क्या कहेंगे? जेनिथ कहेंगे। नाउ यू कैन लुक एट द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड जेनिथ लाइक एपोगी, एपेक्स, पिनाकल, कल्मिनेशंस। सो दीज आर सम ऑफ द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड जेनिथ। द नेक्स्ट वर्ड इज जिल्च। जिल्च इज अ स्लैंगी टर्म फॉर नथिंग एट ऑल। स्लैंग करने का मतलब हो गया फ्रेंड्स ऐसे वर्ड्स जो फॉर्मल नहीं होते, इनफॉर्मल वर्ड्स, लाइक हम अपने फ्रेंड्स के बीच में बोलते हैं अरे यार, ये सब क्या है? सभी स्लैंगी वर्ड्स हैं। तो जिल्च का मतलब क्या हुआ? कुछ भी नहीं। सो इफ यू हैव नो मनी इन योर पॉकेट्स, यू हैव अ जिल्च। इफ यू हैव नथिंग इन योर बैंक अकाउंट, यू हैव अ जिल्च। नाउ यू कैन लुक एट द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड जिल्च: निल, जीरो, साइफर, नथिंग। सो दीज आर सम ऑफ द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड जिल्च। द नेक्स्ट वर्ड इज सॉम्बर। सॉम्बर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सिचुएशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस और मूड्स दैट आर डार्क, ग्लूमी और डिप्रेसिंग। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, अगर आप किसी फ्यूनरल में गए होंगे तो आप देखे होंगे वहाँ के लोगों का चेहरा में एकदम मायूसी छाई रहती है, उदासी छाई रहती है। तो सॉम्बर का मीनिंग क्या हुआ? निराशाजनक, उदासीन, अंधकारमय, तो उसे हम सॉम्बर कहते हैं। नाउ यू कैन लुक एट द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड सॉम्बर लाइक डल, चीयरलेस, मेलांकोली, डिप्रेसिंग। सो दीज आर सम ऑफ द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड सॉम्बर। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइज। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।